हैं कि बाथरूम में कपड़े उतार कर मत नहाओ, क्योंकि चाहे आपको और कोई देख नहीं रहा हो पर पृथ्वी तो देख रहा है। बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाए तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा। निर्वस्त्र हो किस लिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही है ऑलरेडी। फिर वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी ऑलरेडी। अब ऐसे लाइफ एडवाइस जरूर सुखी महाराज की वीडियोस बस कॉमेडी के लिए शेयर कर रहे हैं, पर कई लोग उनकी बात पर पूरा विश्वास करते हैं, चाहे उनकी बात में कितना ही कचरा क्यों ना हो। हमारे देश में किसी भी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ मैसेजफुल भी है, और ये वीडियो पंडित अनिरुद्धाचार्य के बारे में है, जो आजकल सोशल मीडिया पर अपनी फनी हरकतों की वजह से छाए हुए हैं, और इनकी फनी मीम्स भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और सच में मुझे इनकी फनी मीम्स वाली वीडियो बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इनकी इलॉजिकल बातों को देखकर भला किसे हंसी नहीं आएगी। तो चलिए आज हम इन पोखी महाराज बाबा को एक्सपोज होता हुआ देखेंगे, जिनको मोहक मंगल भाई ने बहुत ही अच्छे से एक्सपोज किया है। तो ये वीडियो फनी होने के साथ इन्फॉर्मेटिव भी है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मार्केट में एक नए महाराज आए, कुकी महाराज, और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। वो आपको रेलिंग पर छलांग मारते हुए भी दिखेंगे और सोशल मीडिया पर लोगों को लाइफ एडवाइस देते हुए भी, जैसे स्किन ठीक करने के लिए वो इलाज देते हैं कि देसी गाय का गोबर लगाओ अपने चेहरे पर। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं ऑलरेडी। वो कहते कि बाथरूम में कपड़े उतार कर मत नहाओ, क्योंकि चाहे आपको और कोई देख नहीं रहा हो पर पृथ्वी तो देख रहा है। बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाए तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा। निर्वस्त्र हो किस लिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही है ऑलरेडी। फिर वो कहते हैं कि उस आदमी के हाथ से पानी मत पियो जो मीट खाता है। माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी ऑलरेडी। अब ऐसे लाइफ एडवाइस जरूर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे, क्योंकि कई लोग इनको मीम्स की तरह यूज कर रहे हैं, पर इस फनी लाइफ एडवाइस के पीछे है कई प्रॉब्लमेटिक चीजें जिसके बारे में पुकी महाराज बात करते हैं। वैसे जब उनसे पूछा गया कि एक महिला लड़के को कैसे जन्म दे, तो देखो उन्होंने कौन सा फॉर्मूला बताया। ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के पांचवी रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, छठी रात हुआ बेटा, सातवीं रात हुआ बेटी, आठवीं रात हुआ बेटा। अब इस बात का कोई लॉजिकल सेंस नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस है ही नहीं जो कोरिलेट करे कि एक लड़की का पीरियड कब होता है और उसके बच्चे का जेंडर क्या होगा। एक और वीडियो में पुकी महाराज ये कहते हैं कि हमारे देश में रेप्स इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स अपनी लड़कियों को रानी लक्ष्मी बाई नहीं बना रहे। ये लड़कियों का रेप क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया, तो बलात्कार तो होगा। तुमने अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाई होती ना मेरी माँ, तो फिर बलात्कार होता, फिर बताते आप। बस लड़कियाँ मार्शल आर्ट सीख नहीं रही, इस वजह से रेप्स हो रहे, यानी कि रेप्स में भी लड़कियों की ही गलती है। सबसे घटिया बात यह है कि ऐसा ही लाइफ एडवाइस पुकी महाराज का वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उनके यूट्यूब में 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और इंस्टाग्राम पर ऑलमोस्ट 2 मिलियन। अब आपको लगता होगा कि लोग पुकी महाराज की वीडियोस बस कॉमेडी के लिए शेयर कर रहे हैं, पर कई लोग उनकी बात पर पूरा विश्वास करते हैं, चाहे उनकी बात में कितना ही कचरा क्यों ना हो। हमारे देश में किसी भी इंडस्ट्री में कितना ही रिसेशन क्यों ना आ जाए, पर बाबाओं का बिजनेस हर बार प्रॉफिटेबल रहता है। और इस वीडियो में मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ नए नवेले पुकी महाराज। अब अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, सोशल मीडिया पर इस बाबा को कई नाम मिल चुके हैं, जैसे पुकी महाराज क्योंकि कई लोग इनको क्यूट मानते हैं, या फिर बिस्किट बाबा क्योंकि उन्होंने बिस्किट्स के बारे में बहुत अनोखे एडवाइस दिए। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। क्या बात है? पर उनका रियल नाम है अनिरुद्ध आचार्य महाराज,
जिन्होंने उत्तर प्रदेश में वृंदावन का गौरी गोपाल आश्रम क्रिएट किया था। न्यूज 18 रिपोर्ट के हिसाब से वो सत्संग करवाने के लिए ऑर्गेनाइजर से हर दिन के 80,000 से 1,00,000 रुपए मांगते थे, पर आज वो सोशल मीडिया पर अपने सत्संग के लिए कम और बल्कि अपने फनी लाइफ एडवाइस के लिए ज्यादा पॉपुलर है। गुरुजी कॉलोनी का ही था एक लड़का। अच्छा, कॉलोनी का था। जी हाँ, तो गाली गुप्तार हो रही थी, गुस्से गुस्से में थोड़ा तो पाइप मारा, थोड़ी सी चोट लगी थी और उसको पाइप पे ही खत्म हो गया। तो कहा सिर में ही मारा था? सिर में जरा सी चोट आई थी। अरे सिर में क्यों मारा, हाथ में मारा होता। गुरुजी अब पहले इतना नॉलेज नहीं था, अब हो गया नॉलेज। अब नॉलेज हो गया, आप कहाँ मारोगे? लॉजिक ढूंढने की ज्यादा कोशिश मत करो क्योंकि इधर लॉजिक है नहीं ऑलरेडी। दूसरे वीडियो में एक लड़के से उन्होंने पूछा कि अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनको बताए कि 70 में क्या जोड़कर वो 17 हो जाएगा। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? फर्स्ट माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, आप जोड़ना है घटाना नहीं है, हम बोल रहे हैं जोड़ो प्लस करो। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आपकी मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब इनके वीडियोस देखकर आपको भी ये लगेगा कि एक स्पिरिचुअल गुरु है या फिर एक स्टैंड अप कॉमेडियन। इस वायरलिटी और कॉमेडी के चलते उनको कई कॉमेडी शोज में भी इन्विटेशन मिल चुका है, पर इस कॉमेडी के पीछे पूके महाराज के प्रवचनों में कई दिक्कतें हैं। एक वीडियो में उनकी एक महिला भक्त उनसे पूछती है कि उनका पति उनको काम करने नहीं देता, तो महाराज जवाब देते हैं कि काम करने की जरूरत क्या है जब पति काम कर रहे हैं। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। दूसरे वीडियो में एक महिला उनसे पूछती है कि उनका पति उनको घर में लॉक कर देता है और अपने माता पिता से बात भी नहीं करने देता, कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो और मैं अब तुम्हें रखूंगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आप मुझे मानोगी, माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़ दो। तो महाराज भला क्या बोलते हैं? समझाओ कोई इसे बच्ची को, पढ़े लिखे मूर्ख नहीं को कहते हैं। उस महिला की मदद करने की बजाय ये महाराज उनको एक पढ़ा लिखा मूर्ख बुलाते हैं। कहाँ के महाराज हुए ये? और इसी तरह ये महाराज महिलाओं के बारे में कई भद्दी चीजें बोलते हैं। जरूरत से ज्यादा सुंदरता गुण नहीं है, दोष है। एक ही धर्म है नारी का, केवल पति की सेवा। अब ऐसा नहीं कि हमारे देश में बस पूकी महाराज ही ऐसी बातें सोचते हैं, बल्कि कई देशवासियों में ऐसा ही बिलीफ है। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है, क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आ गया गलत काम कर जाता है। एक आसे ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना, ताली नहीं बजती एक आसे। प्यू रिसर्च के हिसाब से आधे से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि बीवियों को अपनी पति की बात माननी ही चाहिए, और 2021 के नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे ने दिखाया कि नियरली आधे लोग इंक्लूडिंग महिलाएं ये मानती हैं कि एक पति अपनी पत्नी को पीट सकता है। ऐसे समाज में जहाँ कई महिलाएं ये खुद मानती हैं कि पति पत्नी को पीट सकता है, हमें समाज में ऐसे लीडर्स चाहिए जो लोगों को ढंग की सीख दें। पर हो क्या रहा है हमारे समाज में? पूकी महाराज जैसे लोग पॉपुलर हो रहे हैं जिनकी बातों पर कई लोग अंधविश्वास कर लेते हैं। इसके पीछे एक कारण है जिसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अथॉरिटी बायस। ये बायस तब होता है जब लोग किसी सीनियर पर्सन पर विश्वास करने लग जाते हैं बस इस वजह से कि वो एक सीनियर है। इस वजह से जब एक पूकी महाराज कचरे जैसी बात करते महिलाओं के बारे में, लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। ये अथॉरिटी बायस और बढ़ जाता है जब लोगों के सामने एक ऐसा आदमी आता है जो रिलीजियस फिगर हो। हमारे देश में रिलीजन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। प्यू सर्वे की रिसर्च ने खुद दिखाया कि आधे से ज्यादा हिंदूज, मुस्लिम्स और सिख्स कहते हैं कि उनकी जिंदगी में रिलीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जहाँ धर्म में ज्यादा विश्वास है, उस जगह बाबाओं में तो और भी विश्वास हो जाता है, क्योंकि भगवान के साथ तो वन वे कॉन्वर्सेशन है, पर इन बाबाओं के साथ तो आप एक्टिव टू वे कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। संजय श्रीवास्तव जो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर है, वो कहते हैं कि बाबाओं से बात करना मानो एक ट्रेनर से बात करना है जो आपको बताता है कि जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस वजह से जब कोई व्यक्ति ऐसे महाराज के पास जाता है अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम डिस्कस करने और उनको ये जवाब मिलता है, उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी होता है। तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। दिक्कत और बढ़ जाती है जब ऐसा एडवाइस लॉजिक और साइंस को सपोर्ट करने के बजाय उनके खिलाफ चले जाता है। एक बार वो लड़के के साथ डिबेट करने लग जाते हैं कि एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है ह्यूमंस का। तो बंदर जो बंदर आजकल बंदर बन के रह गए और हम लोग इंसान बन गए ना। साइंस भी कहता है कि होमोडाइंस जो है वह धीरे धीरे बंदर से मनुष्य हो गया,
कोई प्रूफ है? ऑलरेडी। अब लॉजिक हैज लेफ्ट द चैट, क्योंकि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने क्लियरली दिखाया कि ह्यूमन बीइंग्स मंकीज या फिर एप्स से ही इवॉल्व हुए हैं। पर शायद पूकी महाराज ने साइंस पढ़ी नहीं थी, इसी वजह से वो बोलते हैं कि एक तोला घी जलाने से एक टन ऑक्सीजन पैदा होता है। और घी, एक तोला घी जब जलता है तो एक टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। अब ये चीज कंबशन के प्रिंसिपल के पूरे अगेंस्ट है। किसी भी चीज को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इनफैक्ट आपने स्कूल में वो एक्सपेरिमेंट किया होगा, या एक मोमबत्ती जलाई जाती है और जब उसको एक ग्लास से ढका जाता है तो मोमबत्ती जलना बंद हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप मोमबत्ती को ढकते हो तो मोमबत्ती को ऑक्सीजन मिलता नहीं है और वो जलना बंद हो जाती है। तो यानी कि जब आप किसी चीज को जलाते हो तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। पर पूकी महाराज बोल रहे हैं कि एक तोला घी जलाने से एक टन ऑक्सीजन पैदा होता है। न्यू साइंस। पर क्योंकि लोगों ने पूकी महाराज को सर पर चढ़ा दिया है, इस वजह से वो कुछ भी बोले लोग उनकी बात मान जाते हैं। अब आपको कई चीजें इन महाराज के बारे में बहुत फनी लगेंगी, पर फनी और डेंजरस के बीच में जो लाइन है वो बहुत ही पतली है। एक बैठक में इन महाराज से पूछा गया कि गाय का मूत्र पीने से फायदा क्या होता है। महाराज ने जवाब दिया कि एक बहुत बड़ी डिजीज सॉल्व हो सकती है। कौन सी डिजीज? कैंसर, जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। तो ये महाराज बोल रहे हैं कि गाय का मूत्र पीने से कैंसर सॉल्व हो सकता है। उस देश में जहां अपोलो हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट ने दिखाया कि हमारा देश दुनिया का कैंसर कैपिटल बन गया है। हर साल हमारे देश में 10 लाख कैंसर के केसेस होते हैं, और अगर आप उन पेशेंट्स की कहानी सुनोगे तो आपका भी दिल पिघल जाएगा। पर ये महाराज कह रहे हैं कि गाय के मूत्र से वो भी चीज सॉल्व हो सकती है। तो फिर हमारी सरकार बड़े बड़े अस्पताल क्यों बना रही है? सब तोड़ डालो, उल्टा गाय मूत्र की 10 मिनट की डिलीवरी स्टार्ट कर देनी चाहिए हमें। प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब ऐसे बाबाओं को क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, और ये क्रेडिबिलिटी मिलती है जब कई न्यूज चैनल्स उनको इनवाइट करने लग जाते हैं। हमारे साथ सीधे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम है महाराज जी। धन्यवाद। जब ऐसी चीजें होती ना तो अपने परिवारों में बुजुर्गों को कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका जवाब होता है कि न्यूज वालों ने भी इस बाबा को बुलाया है, कुछ सोच समझ के ही बुलाया होगा। अब उनको कौन बताए कि ना इन बाबाओं की कोई क्रेडिबिलिटी है और ना न्यूज चैनल्स की। बाबा रामदेव का एग्जाम्पल देख लो। फर्स्ट एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड कोरोना की आयुर्वेदिक दवा आज हम यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। पेंडेमिक के बीच जब हजारों लोग की जाने जा रही थी तो उन्होंने कोरोनल किट लॉन्च करी, ये कहकर कि कोरोनल 7 दिनों में कोविड को सॉल्व कर सकती है। 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए, ये बहुत बड़ी बात। उन्होंने तो ये तक कहा कि इस किट को WHO सर्टिफिकेशन मिल चुका है, जो सरासर झूठ था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तक इस प्रोडक्ट को झूठा बताया, पर इसके बावजूद पतंजलि की कोरोनल किट हर न्यूज चैनल पर थी और उन्होंने 4 महीने में 250 करोड़ रुपए कमाए। इंटरेस्टिंग चीज ये हमारे देश में कि चाहे रिलीजन के बेसिस पर कितने भी लोग डिवाइडेड हो जाएं, पर वो यूनाइटेड रहते ऐसे बाबाओं की वजह से, क्योंकि ऐसे बाबा हर रिलीजन में पाए जा सकते हैं जो लोगों को बेवकूफ बना रहे। जैसे ये है प्रॉफिट बजेंद्र सिंह, एक क्रिश्चियन बाबा। जो एक डिसेबल्ड आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं अपने जादुई मंत्र से। सबसे अनफॉर्चुनेट बात है कि वो लोग जो इन बाबाओं का शिकार होते हैं वो यूजुअली गरीब और बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से, जिनको मदद की जरूरत होती है, पर मदद के चक्कर में वो इन बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। जैसे ये महिला, क्या ये लोग गलत करते हैं किसी के साथ तो उसके साथ गलती करना चाहिए या नहीं? ससुराल वालों ने मेरे को रखा नहीं, फिर पैसे मांगते हैं दहेज के लेके, या नंगी भूखे घर की है, तेरे खानदान में क्या है? कुछ नहीं है। देवर देवरानी ने और सासू ने मतलब मेरे को सबने मारा पीटा, मेरा 3 जगह से हाथ भी तोड़ दिया। या फिर ये आदमी जिसकी कई समय से शादी नहीं हो रही। मेरी शादी नहीं हो रही प्रभु जी, और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। ऐसे लोग समाज से उम्मीद खो बैठते हैं, पर फिर उनको एक जादुई बाबा के बारे में पता चलता है जो उनकी सारी दिक्कतों का हल निकाल सकता है। और कई लोग ऐसे बाबाओं के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। पिछले महीने उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक भगदड़ मची थी जहां 121 लोग की जाने गई थी। इवेंट ऑर्गेनाइज किया था एक भोले बाबा ने,
और भगदड़ मची थी क्योंकि भीड़ भोले बाबा के पैर छूना चाहती थी। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि भोले बाबा के मोस्ट फॉलोअर्स गरीब, अनपढ़ और दलित और जातव समाज से थे, जिनको हमारे समाज में एक्सेप्टेंस नहीं मिली और इसी वजह से वो भोले बाबा के पास गए जहाँ उनको एक्सेप्टेंस दी गई। योगेश नेही जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, वो कहते हैं कि ऐसे लोग इन बाबाओं का शिकार बन जाते हैं क्योंकि उनका खुद का धर्म उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। जब उनको अपने ट्रेडिशनल धर्म से रिस्पेक्ट नहीं मिलता, वो इन बाबाओं के पास जाते। राम रहीम के केस में भी, जो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है, उसको पंजाब में कई दलित सिख्स मानो भगवान की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि इन दलित सिख्स को हमारा समाज रिस्पेक्ट नहीं देता, पर जैसे ही वो राम रहीम के डेरे में एंटर होते हैं उनको वही रिस्पेक्ट मिल जाता है। इनफैक्ट राम रहीम का डेरा सोशल इक्वालिटी प्रॉमिस करता है लोगों को और सभी को बोला जाता है कि वो अपना पुराना सरनेम भूल जाए और एक नया सरनेम इंसान चूज करे जिससे लोगों के बीच भेदभाव ही ना। और इसी वजह से कई लोग पूकी महाराज के पास आते हैं, चाहे ये महाराज कितनी भी बकवास बात क्यों ना करे। कई लोग पूकी महाराज के चैरिटी से भी अट्रैक्टेड हो जाते हैं, जैसे वो भी अपने सोशल मीडिया पर दिखते हैं गरीबों को खाना देते हुए, बुजुर्गों को आश्रम में रखते हुए और जानवरों की भी देखभाल करते हुए। और जब ऐसे लोग पूकी महाराज के पास पहुंचते हैं, उनको पता चलता है कि उनकी जिंदगी इसमें कई दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को महाराज तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं, उनको होप दी जाती है चाहे वो झूठी क्यों ना हो। इन बाबाओं की पॉपुलैरिटी की एक वजह है हमारा फेल्ड मेडिकल सिस्टम। हमारे देश में कई लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, इनको सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए आपको थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, पर ऐसे कई लोग पूकी महाराज के पास चले जाते हैं। जैसे ये महिला जिन्होंने कहा कि उनके पति ने उनको छोड़ दिया है। हमारे हस्बैंड ने उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है पहले से, आज 12 साल बाद 10 दिन हो गए हमको घर से निकाल दिए। ये सारे सीरियस मुद्दे और इन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए हमें सीरियस सॉल्यूशन चाहिए, पर हमारे देश में मेंटल हेल्थ के बारे में ना अवेयरनेस है ना रिसोर्सेस। WHO के हिसाब से हर 1,00,000 लोगों के लिए कम से कम 3 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होने चाहिए, पर इंडिया में ये नंबर बस 0.75 है। रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मनोहर भाटिया ने कहा कि ऐसी सिचुएशन में एक बाबा के पास जाना हमारे स्ट्रेस को रिलीव कर देता है क्योंकि वो हमें सॉल्यूशंस भी देते हैं और खुशी भी। पर इन सारे बाबाओं की जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल सेम है, उन लोगों को टारगेट करना जो गरीब है, डेस्परेट है और पिछड़े समाज से, जिनको हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया और इस एक्सेप्टेंस के चलते ही वो उन बाबाओं और महाराजाओं का शिकार बन जाते हैं जो उनको कुछ दिन के लिए दिलासा तो दे सकते हैं पर उनकी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकते। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब लोग इन बाबाओं की हर बात को पत्थर की लकीर मानते हैं। उनको ये लगता है कि ये लोग तो भगवान हैं, पर ये भगवान नहीं है, ये बस इंसान है। और ये लोग इस अंधभक्ति को मिसयूज करते हैं। यही चीज करी आसाराम बापू ने और गुरमीत राम रहीम ने, जो कन्विक्टेड रेपिस्ट है। इन बाबाओं की पॉपुलैरिटी हमें दिखाती है कि हमारा समाज फेल कर रहा है, हमारा समाज उन लोग को फेल कर रहा है जो गरीब है और जो पिछड़े समाज से हैं। उनकी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे और इसी वजह से वो इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि वो किसी भी चमत्कारी बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तक हम अपने समाज को ठीक नहीं करेंगे और इन लोगों की प्रॉब्लम्स की जड़ों को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक मार्केट में नए बाबाज आते रहेंगे। जबरदस्त, सच में इन भाई ने बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो बनाया है और लोगों को ऐसे पंडितों और बाबाओं से अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इन भाई ने ये बात एकदम सही कही है कि गरीब और अनपढ़ लोग ही ऐसे बाबाओं पर यकीन कर लेते हैं और ये बाबा लोग इन जैसे लोगों को ही ज्यादा से ज्यादा भाव देते हैं और इनकी लॉजिकल बातों का जादू ऐसे ही भोले भाले लोगों पर ही चलता है और ये भोले भाले लोग इन बाबाओं को इंसान से बढ़कर गॉड मान लेते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। और यही है अंधभक्ति और इन अंधभक्तों में मोस्टली इलिटरेट लोग हैं। ये बाबा अगर गोबर को हीरा बनाकर पेश कर दे तो ये अंधभक्त लोग गोबर को भी हीरा मान लेंगे। तो इस वीडियो के जरिए आपको एक अवेयरनेस का इशारा दिया जा रहा है, तो प्लीज आप ऐसे लोगों से अवेयर हो जाए जो इलॉजिकल बातें करते हैं। आप इनकी इलॉजिकल बातों से हटकर लॉजिक की तरफ आए और ये बाबा जो भी प्रवचन सुनाते हैं इसका कोई भी प्रमाण नहीं देते हैं कि ये किस वेद से है, कि किस पुराण से है और किस धर्म की किताब से लिया गया है, इन सब के बारे में ये लोग कुछ भी नहीं बताते हैं। और इन्होंने सारी साइंस भी अपने दिमाग से बना रखी है, जबकि हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स अगर कोई भी साइंस पर बात करते हैं
तो वो बात कुरान से रिलेट करती है तो वो कुरान का या हदीस का हवाला देकर जरूर बताते हैं। विद प्रूफ वो साबित कर देते हैं कि ये बात कुरान से ली गई है या हदीस से ली गई है, लेकिन इन बाबाओं की बातों का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है। तो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। चिल्ड्रन बाय एंड अल्लाह हाफिज़।